का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्णव गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे, यहां पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। देखिए, यह कांदीवली में नेवी अफसर सोसाइटी के बाहर जा रहा है, उसी समय शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता जो कि नेवी अफसर को पकड़कर मारपीट करने लगते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नेवी अफसर जोर से अंदर भागते हुए आ रहा है और पीछे से शिवसेना के कुछ गुंडे उसको पीछे से लात से मारते हुए अंदर घुसे हैं। आप एक के बाद देख सकते हैं, सिक्योरिटी रोक रही है लेकिन ये गुंडे अंदर घुस गए हैं और बुजुर्ग भारत के रखवाले एक्स आर्मी मैन को किस तरह घसीटते हुए मारते हुए सोसाइटी के प्रविसेस के बाहर ले जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।